आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि इनमें से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो गलत स्टेटमेंट होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता क्या है। अब ये तो हम जानते हैं कि प्लांट बॉडी में हर समय पर कई सब्सटेंसेस का एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक बना रहता है, क्योंकि इनकी ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड तक करनी पड़ती है। तो अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसके लिए तो प्लांट बॉडी में जो वैस्कुलर बंडल्स हैं या वैस्कुलर टिश्यूज जो हैं प्लांट के, वो काम करते हैं। अगर हमें वाटर का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है, मेनली रूट से प्लांट के ऊपर के पार्ट की तरफ, तो ये जाइलम नाम के टिश्यू के थ्रू होता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन। और अगर हमें शुगर्स का यानी फोटोसिंथेट्स का ट्रांसलोकेशन करना है तो एक मल्टी डायरेक्शनल वे में फ्लोएम नाम के टिश्यू के हेल्प से होता है। लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है, इसमें हम ट्रांसलोकेशन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रांसलोकेशन से हमारा मतलब है कि जब ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक हमें कोई सब्सटेंस भेजना हो। लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है ये एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, यानी सेल के अंदर ही अंदर जो इसके साइटोप्लाज्म की मूवमेंट्स होते हैं, जिसके हेल्प से सब्सटेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं सेल के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, इसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, और इसी को साइक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ये नहीं कर सकता साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट की हेल्प से सेल के ही जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनके बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो सकता है। और इस तरह की मूवमेंट पॉसिबल होती है सेल के अंदर प्रेजेंट कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फाइबर्स की हेल्प से। तो मेनली हम यही देखते हैं कि एक्टिन नाम का प्रोटीन होता है, उसके फाइबर्स इस तरह की मूवमेंट सेल के अंदर करवाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है हेल्प करती है, ये बात करेक्ट है। जब कोई सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करके जो एडजेसेंट सेल्स का इंटरकनेक्टेड साइटोप्लाज्म का नेटवर्क है उसके थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है, तो इसको हम सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ऑब्वियसली अगर साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रैवल करेगा तो वो साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस की जो प्रोसेस है इसमें हेल्प करेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि हाइड्रिला के लीफ में हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट बात है। हाइड्रिला की लीफ का अगर हम स्लाइड बनाते हैं तो इसको माउंट करके अगर हम इसके सेल के डिफरेंट एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करें, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की प्रोसेस माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व की जा सकती है। और इसके बाद तीसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लॉन्ग डिस्टेंसेज में सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ऑब्वियसली स्टेटमेंट गलत हो गया। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है सेल के अंदर ही अंदर, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू या सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टेशन करना या ट्रांसलोकेशन करना पॉसिबल नहीं है, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया। इसके लिए तो हमें जाइलम और फ्लोएम जैसे वैस्कुलर टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो ना साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से और ना ही पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के थ्रू हम लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रांसलोकेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की और स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन सी हम मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।